चीन को एक और झटका, केंद्रीय मंत्रालय ने किया चीनी उत्पादों को बैन। जनता की भावनाओं को समझते हुए पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चीन के सामान पर रोक लगा दी थी। अब इसी का अनुसरण करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने चीन को सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे विभाग में इसके बाद कोई भी चीनी सामान नहीं लाया जाएगा। इस बारे में मंत्रालय ने एक सर्कुलर भी जारी किया। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विदेशी वस्तुओं की परख करने के लिए नए नियम तैयार किए जा रहे हैं। ये नियम केवल चीन से आने वाले उत्पादों पर ही लागू नहीं होंगे, बल्कि विदेशों से आने वाले सामान और उत्पादों पर भी लागू होंगे। भारतीय बिजनेसमैन ने चीन को दिया 3,000 करोड़ का झटका। चीन के खिलाफ मुहिम में अब देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भी सामने आने लगी हैं। JSW ग्रुप की सहयोगी इकाई JSW सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्क जिंदल ने कहा कि बॉयकॉट चाइना के तहत वे अगले 2 साल में चीन से 3,000 करोड़ का आयात पूरी तरह बंद कर देंगे। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी JSW ग्रुप ने सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन से 40 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,000 करोड़ के आयात को अगले 24 महीने में शून्य पर लाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 14 अरब डॉलर की कंपनी JSW ग्रुप की ओनरशिप पार्क के पिता सज्जन जिंदल के पास है और ये ग्रुप इस्पात, ऊर्जा, सीमेंट और बुनियादी संरचना जैसे मुख्य क्षेत्रों में कारोबार करती है। कोरोना से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 50 से 60 लाख करोड़ रुपए के FDI की जरूरत। कोरोना से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 50 से 60 लाख करोड़ रुपए के FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जरूरत है। ये बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही। उन्होंने कहा कि इस राशि को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और MSME सेक्टर में निवेश करके अर्थव्यवस्था के पहियों में तेजी लाई जा सकती है। मौजूदा हालातों में FDI समय की आवश्यकता है और ऐसे फंड देश को लाभ पहुंचा सकते हैं क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है। क्या सेलिब्रिटी भी करेंगे चीनी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म? सोमवार को सरकार द्वारा 59 चीनी एप्स पर बैन लगाने के बाद अब सेलिब्रिटीज भी चीनी कंपनियों के साथ ब्रांड एंडोर्समेंट पर कम ही बात कर रहे हैं। फिलहाल रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आमिर खान, कटरीना कैफ, रणवीर सिंह और विराट कोहली जैसे फिल्मी स्टार्स और क्रिकेटर्स चीनी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। आपको बता दें कि चीनी बहिष्कार के नाम पर कोई भी सेलिब्रिटी कंपनियों से किया गया कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकती है। हालांकि वो फोर्स मेजोर को ढाल बनाते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं। हालांकि इस क्लोज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब युद्ध, दंगा, महामारी अथवा ऐसी कोई चीज होती है जिस पर इंसानों का बस नहीं होता है। भारतीय स्टार्टअप्स के जरिए भी चीन को भेजा जा सकता है ग्राहकों का डेटा। कैट ने की निवेश में जांच की मांग। कैट ने चीनी कंपनी द्वारा भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश की जांच कराने की मांग की है। कैट ने पत्र लिखकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल से ये मांग की है। कैट का कहना है कि चीन की जिन कंपनियों के भारत में मैन्युफैक्चरिंग कारखाने हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं उनके पास मौजूद डाटा का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है या उसे चीन को नहीं भेजा जा रहा। आपको बता दें कि भारत के कई स्टार्टअप्स में चीनी कंपनियों का अच्छा खासा निवेश है। इनमें प्रमुख रूप से फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, paytm.com, स्विगी, ओला, ओयो, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, बिग बास्केट, makemytrip.com, ड्रीम 11, हाइक, स्नैपडील, उड़ान, lenskart.com, बाइजू, क्लासेस, साइट्रक, टेक शामिल हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, इससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।